मंदिर को हम जो है उजड़ने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अभी हाल ही में दिल्ली के भजनपुरा इलाके में हनुमान मंदिर को तोड़ा गया और मजार को भी तोड़ा गया। इलाके में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात था। अब एक बार फिर से हनुमान मंदिर तोड़ने की बात चर्चा में आई है और छावला में जो पुल है उस पर हनुमान मंदिर बना हुआ है उसे हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साफ कह दिया है उपराज्यपाल को कि आप अपना ये आदेश वापस लें और हनुमान मंदिर जो छावला में बना हुआ है उसे ना तोड़ा जाए। इसको लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा है। उस पत्र में क्या कहा गया है आपको बताते हैं। सौरभ भारद्वाज ने लिखा, कुछ दिन पहले मटियाला में चुने हुए विधायक आदरणीय गुलाब सिंह जी का पत्र मिला जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि उनके विधानसभा में आने वाले छावला में एक प्राचीन हिंदू मंदिर को ढहाने का आदेश माननीय उपराज्यपाल द्वारा पारित किया गया है। इसे लेकर आसपास के गांव वाले काफी चिंतित और नाराज हैं। आज मैं नजफगढ़ ड्रेन के निरीक्षण पर गया था और वहां पर स्थानीय विधायक गुलाब सिंह मुझे छावला ब्रिज के निकट प्राचीन हनुमान मंदिर पर लेकर गए। वहां पर बहुत सारे ग्रामीण लोग इकट्ठा थे। सभी लोगों ने ये बात बताई कि इस पुल पर और इस इलाके में बहुत दुर्घटनाएं हुआ करती थी। फिर गांव के बुजुर्गों ने यहां पर हनुमान जी को स्थापित करने का निर्णय लिया। गांव वालों का मानना है और उनकी आस्था है कि जब से यहां पर हनुमान जी स्थापित किए गए हैं तब से यहां पर दुर्घटनाएं होनी बंद हो गई। आसपास के गांव से भी लोग इस मंदिर पर हनुमान जी की पूजा करने आते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपके द्वारा इस मंदिर को ढहाने का जो आदेश दिया गया है कृपया उस आदेश पर दोबारा विचार करें। जो सूचनाएं मैंने आपको नए पुल और नए पुल पर ट्रैफिक डाइवर्ट होने के विषय में दी उसे आप वेरीफाई करवा लें। तब तक मंदिर को ढहाने के आपके आदेश को रोक दिया जाए, आपकी बहुत कृपा होगी। तो मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर ये अनुरोध किया गया कि छावला ब्रिज के निकट जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसे हटाने का आदेश आप वापस ले लें। इस चिट्ठी को लिखने से पहले सौरभ भारद्वाज छावला पहुंचे जहां पर ये प्राचीन हनुमान मंदिर है और उन्होंने जाकर हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने हमारे संवाददाता ओपी शुक्ला से ये कहा कि इस मंदिर को तोड़ने से रोकने के लिए वो उपराज्यपाल को पत्र लिखेंगे जैसा कि उन्होंने लिखा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हनुमान मंदिर को नहीं टूटने देंगे। मंदिरों को तोड़ने की कार्रवाई हाल के दिनों में हुई है लेकिन छावला के अंदर जो ये मंदिर बना हुआ है, जो ये ब्रिज के पास हनुमान मंदिर बना हुआ है, इससे किसी भी तरीके से यातायात में कोई दिक्कत नहीं होती और एक नए पुल का निर्माण भी सरकार के द्वारा किया गया है। ऐसे में किसी को यातायात में कोई परेशानी नहीं होगी और गांव वालों की आस्था है और गांव वालों का विश्वास है कि इस मंदिर के बनने के बाद जो दुर्घटनाएं होती थी वो दुर्घटनाएं होनी बंद हो गई, तो इस मंदिर को ना तोड़ा जाए। देखिए, ये छावला के पुल पर मंदिर बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि यातायात को जो है इस मंदिर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मंदिर साइड में बना हुआ है। एक जमाना था जब यहाँ पे बहुत दुर्घटनाएं होती थी और हमारे गांव के बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि यहाँ पे हनुमान जी को जो है स्थापित किया जाए और उसके बाद सब मंगल है, दुर्घटनाएं बंद हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इस पुल के बिल्कुल साथ में एक नया पुल बन के तैयार है, तो ऐसे में एलजी साहब का जो आदेश है कि इस मंदिर को डिमोलिश कर दिया जाए ये सरासर गलत है। मैंने विभाग के अफसरों को भी डायरेक्शन दी है और एलजी साहब को भी आज पत्र लिख के कहेंगे कि इस मंदिर को डिमोलिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यातायात जो इस पुल से जाता है, ये पुल वैसे भी पुराना हो गया, उसको हम साथ वाले पुल में डाइवर्ट कर देंगे और इस पुल पर मंदिर को बिल्कुल जो है हाथ बिना लगाया जाए। एलजी साहब को बल्कि यहाँ पे आना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, आदेश आशीर्वाद लेना चाहिए हनुमान जी से, ये सब नहीं सोचना चाहिए। केंद्र पे बीजेपी की सरकार है कहा जाता है, मंदिर की वजह से ही बीजेपी सरकार आई थी, आखिर अब क्यों क्या ऐसा हो रहा है कि मंदिर जगह जगह हटाया जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एलजी साहब जो है भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं। एलजी साहब को ऐसा लगता है कि वो मंदिर तोड़ देंगे और दिल्ली वाले चुप रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक आध जगह एलजी साहब ने कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली वाले अब हर मंदिर को तोड़ने देंगे। यहाँ पे सारा गांव और सारी सरकार इस मंदिर के साथ है, आसपास के गांव इस मंदिर के साथ है, सबकी आस्था इससे जुड़ी हुई है। मंदिर को हम जो है उजड़ने नहीं देंगे।
हालांकि आपको ये बता दें कि हाई कोर्ट के द्वारा रिलीजियस कमेटी बनाई गई थी और इस रिलीजियस कमेटी के अध्यक्ष उपराज्यपाल हैं और इसी कमेटी में निर्णय हुआ था कि जहां पर इंक्रोचमेंट हुई है धार्मिक स्थलों के द्वारा, जहां पर इंक्रोचमेंट करके धार्मिक स्थल बनाए गए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो फैसले जो है इसी कमेटी में लिए जाते हैं, उसके बाद आगे ऑर्डर दिए जाते हैं और कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। जैसे कि आपने भजनपुरा इलाके में देखा कि बुलडोजर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा चलाया गया, लेकिन आदेश जो है वो उपराज्यपाल के द्वारा दिए गए थे। आतिशी के द्वारा भी पत्र लिखा गया था, लेकिन उसके बावजूद हनुमान मंदिर तोड़ा गया भजनपुरा में और कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से बिगड़े ना, इसको लेकर पुलिस की भी भारी संख्या में तैनाती वहां पर दिखाई दी थी। लेकिन अब यहां पर देखना होगा कि सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं कि छावला में जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसे ना तोड़ा जाए, उस पर उपराज्यपाल की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।